तमाम वेद मंत्रों में श्री कृष्ण ही परतत्व हैं, जिसको अद्वय तत्व कहा है भागवत ने। भदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यजगान मद्वयम। उन श्री कृष्ण भगवान के हम नित्य दास हैं। ध्यान दो, नित्य शब्द पर ध्यान दो। नित्य दास, एक दास होता है टेम्परेरी, आप लोग नौकरी करते हैं, हाँ। अब नहीं करेंगे जी, इस्तीफा दे रहे हैं। क्या करेगी गवर्नमेंट, नहीं करते, अरे हम पे नहीं लेंगे, तुम मत दो पे, अपनी इच्छा है, सर्विस किया, अपनी इच्छा है छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण की सर्विस, ये तो हमारा नित्य नेचर है, नेचर स्वभाव। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है, तटस्थ लक्षण है। अगर आप लोग कहें श्री कृष्ण का तो बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते विदेशों में, अब बहुत से लोग तो गाली देते हैं, ऐसी संप्रदाय भी है। अरे वो श्री कृष्ण को गाली देते हैं, लेकिन किसको गाली नहीं देते, ऐसा भी कोई होगा, हाँ। वो एक ही है आनंद, आनंद के दास हैं सब, सब, हाँ सब। नास्तिक, आस्तिक, कम्युनिस्ट, कोई भी सिद्धांतवादी हो, साथ आनंद चाहते हैं, आनंद भी नहीं, आनंद ही। और आनंद और श्री कृष्ण ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ये मैंने सैकड़ों बार बताया है आपको। आनंदो ब्रह्मेति विजानात् रसो वैसा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो आनंद का दास होना ये टेम्परेरी नहीं, अभ्यास करके हम दुख चाहेंगे आज से, अरे अभ्यास करके हजार बार मर जाओ, हो ही नहीं सकता। आनंद ही चाहना पड़ेगा, क्योंकि आनंद के अंश हैं, उसके दास हैं। तो उन भगवान श्री कृष्ण को जान कर ही इन दोनों प्रश्नों का हल हो सकता है, ये मैंने डिटेल में बताया था। लेकिन उनको कोई नहीं जान सकता, यह भी विस्तार से बताया गया था। लेकिन जाना जा सकता है, यहां पर मैंने आपको छोड़ दिया था। अब आगे चलिए, फिर चलिए वेदों में। वेदों ने कहा अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतोः तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मीशम। श्वेतासुतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 20वां मंत्र। क्या मतलब,